Hello everyone. So today we are going to see Mark's cakewalk question in HackerRank algorithm. So यहाँ पे हमें कह दिया है एक मार्क नाम का लड़का है उसे he likes the cupcakes and he also wants to be fit. So अगर वह c calories का cupcake खाता है तो he must walk 2 power j into c miles. So हमें कम से कम smiles कितने वॉक करना है वो निकालना है. लेट्स सी एग्जांपल. दिस इज कैलरी फर्स्ट 5, 10 एंड 7. दिस आर द कैलरीज. लेट्स इंडेक्स दिस. अगर यहाँ पे 0, 1, 2 दैट मीन्स फर्स्ट केक में कितने कैलरीज है 5 एंड नो जी फर्स्ट मीन्स इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है. सो फर्स्ट केक में सेकंड केक में 10 कैलोरीज है और थर्ड केक में 7 कैलोरीज है. सो इससे अगर इस ऑर्डर में मार्क केक्स को ईट करेगा तो उसको कितनी कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी, दैट मीन्स कितने माइल्स वॉक करना पड़ेगा. फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट कप केक के लिए जे की वैल्यू कितनी होगी, मीन्स इंडेक्स इज 0. सो 2 power 0 इंटू कैलोरी दिस इज. देन प्लस सेकंड केक के लिए दिस इंडेक्स इज 1. सो 2 power 1 इंटू 10 देन 2 power 2 इंटू 7. सो टोटल नंबर ऑफ माइल्स ही नीड टू वॉक इज 53. सो अगर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम माइल्स निकालनी है, मीन्स उसको मिनिमम माइल्स वॉक करना पड़ेगा. सो हम इससे किस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं कि इसे मिनिमम माइल्स वॉक करने पड़ेंगे. सो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, अगर मैं इसे अरेंज करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी ईट 10 कैलोरी केक देन इफ़ वी ही ईट द 7 कैलोरी केक एंड एट द लास्ट इफ़ वी ईट द 5 कैलोरी केक देन वी विल गेट फर्स्ट ऑफ ऑल 2 power 0 इंटू 10 देन 2 power 1 इंटू 7 2 power 2 इंटू 5. द इंडेक्स इज 0, 1, 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 कैलोरी देन 7 कैलोरी देन 5 कैलोरी. सो इस कंडीशन में कितना आएगा हमारा आंसर, 44. दैट इज मिनिमम देन दैट एंड इट इज़ द मिनिमम वी कैन फाइंड बिकॉज यहाँ पे हम क्या करें, 2 power 0 इज मिनिमम एंड द कैलोरी इज मैक्सिमम. सो मैक्सिमम हम कैलोरी लेके जाएंगे तभी हमारा आंसर मिनिमम मिलेगा, क्योंकि 2 की पावर यहाँ पे बढ़ते जा रही है, 2 power 0 देन 2 power 1 2 power 2. सो 2 के पावर यहाँ पे बढ़ रही है, मीन्स हमें इसे लेस करना पड़ेगा कैलोरी को, तभी हमें क्या मिलेगा, मिनिमम माइल्स मिलेंगे. लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. अगर यहाँ पे एग्जांपल है 1, 3, 2. सो दिस इज़ आवर एग्जाम्पल. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 1 कैलोरी की केक खाएगा देन 3rd कैलोरी केक देन 2 कैलोरी केक. अगर हम इसे इंडेक्सिंग दे तो क्या होगा, 0, 1, 2. सो इसके कितने माइल्स वॉक करना पड़ेगा वो निकालेंगे हम लोग माइल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 power 0 इंटू कैलोरीज 1 देन प्लस नेक्स्ट वन इज 2 power 1 इंटू नंबर ऑफ कैलोरीज आर 3. दिस इज नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज 2 power 2 इंटू 2. सो इन दिस केस व्हाट वी विल गेट इज 2 power 0 इंटू 1 इज व्हाट वी विल गेट हियर 1. Then 2 power 1 into 3 is 2 into 3 6. Here we get 6. Then 2 power 2 is 4 into 2. यहाँ पे हमें 8 मिलेगा. सो इनका सम कितना होगा, 6 plus 8 plus 6 plus 1 7 8 15. सो इन दिस केस ही नीड टू वॉक 15. लेकिन हमें क्या करना है, मिनिमम निकालना है. सो मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल ईट 3 देन 2
देन ही विल ईट वन। डिक्रीजिंग में क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू की पावर बढ़ते जाने वाली है और हमें मिनिमम माइल्स निकालने हैं। सो इन दिस केस व्हाट विल बी द माइल्स? माइल्स इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पावर 0, और फर्स्ट वो 3 कैलोरी का केक खाएगा, सो 3, देन प्लस 2 पावर 1 इंटू 2, देन अगर सेकंड कैलोरी का केक खाएगा देन 2 पावर 2 इंटू 1 कैलोरी केक। दिस इज इक्वल टू वॉट वी विल गेट हियर? हियर वी विल गेट 3, देन दिस विल गिव अस 4, एंड दिस विल गिव अस 2 पावर 2 इंटू 4 इंटू 1 इज 2 पावर 2 इन 4 4, सो हियर वी विल गेट 11। सो यहाँ पे हमें 11 माइल्स मिल रहा है, जो यहाँ 15 से कम है। सो हमें मिनिमम माइल्स ही नीड टू वॉक इज फाइंड, सो दैट इज 11। सो हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं? इस कैलरी अरे को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा और माइल्स निकालनी पड़ेगी, तभी जाके हमें मिनिमम माइल्स ऑफ वॉक मिलेगा। सो लेट्स राइट कोड फॉर दिस। सो यहाँ पे हमें कैलरीज अरे दिया है, लिंक लिस्ट, सो अरे लिस्ट। सो यहाँ पे हमें रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना है, सो इसके लिए हम कलेक्शंस डॉट सॉर्ट एस ओ आर टी यहाँ पे लिस्ट का नाम डालेंगे। सो यह क्या करेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, लेकिन हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। सो यहाँ पे हमें कलेक्शन डॉट रिवर्स सॉर्ट लिंक होगा, कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। सो लेट्स टेक एग्जांपल, अगर यह हमारे पास लिस्ट है 1, 3, 2, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज आवर लिस्ट 1, 3, 2। सो अगर हम इसे सॉर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3, 2, 1, बिकॉज वी आर सॉर्टिंग इन द रिवर्स ऑर्डर, सो 3, 2, 1। नाउ हमें क्या करना है? एक लॉन्ग वेरिएबल लेंगे, क्योंकि हमें माइल्स रिटर्न करनी है, सो लॉन्ग, और यहाँ पे वेरिएबल माइल्स, मिनिमम माइल्स मीन अंडरस्कोर माइल्स इक्वल्स टू 0, इनिशियल वैल्यू 0 लेता हूँ। अभी क्या करना है? फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई इज लेस देन क्या, इसका कॉपी कर लेता हूँ, इसकी साइज, साइज निकालने के लिए क्या आता है यहाँ पे? कैलोरी डॉट साइज देन आई प्लस प्लस। तो अबे हमें क्या करना है? 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। सो मिनिमम अंडरस्कोर माइल्स इक्वल्स टू मिनिमम अंडरस्कोर माइल्स प्लस मैथ डॉट पावर, 2 का पावर निकालना है एट इंडेक्स आई इंटू नंबर ऑफ कैलोरीज। सो कैलोरी एट पोजिशन आई निकालने के लिए क्या है हमारे पास? कैलोरी डॉट गेट एट पोजिशन आई, एंड एट द एंड व्हाट वील डू इज रिटर्न मीन अंडरस्कोर माइल्स। सो हाउ दिस इज वर्किंग आई विल डिस्कस हियर। सो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट वी डू इज, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है 3, 2, 1। क्यों सॉर्ट किया है? क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे कैलोरी के हिसाब से सॉर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मिनिमम नंबर ऑफ माइल्स मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3, सो मिनिमम माइल्स पहले तो 0 है, सो यहाँ पे क्या होगा? सो फर्स्ट स्टेप इज मीन अंडरस्कोर माइल्स इक्वल टू मीन अंडरस्कोर माइल्स कितना है? 0 प्लस मैथ डॉट पावर क्या करेगा? 2 पावर i, सो आई की वैल्यू कितनी है? 0, सो 2 पावर 0 इंटू फर्स्ट कैलोरी कितनी है एट इंडेक्स आई, एट इंडेक्स 0 कैलोरी कितनी है? 3, सो हियर वी विल गेट 3 विच इज इक्वल टू 0 प्लस 2 पावर 0 1 इंटू 3, दैट इज 3,
सो ये तो फर्स्ट इंडेक्स के लिए हो गया, अभी इसका इंक्रीमेंट होगा, सो आई विल बी पॉइंटिंग टू दिस, सो आई इज इक्वल टू वन, देन अगेन मीन अंडर स्कोर माइल्स इक्वल्स टू मीन अंडर स्कोर माइल्स कितना हो गया था अभी 3 प्लस, अभी क्या होगा 2 पावर, इंडेक्स कितना हो गया अभी 1 इंटू एट 1 इंडेक्स कितने माइल्स है 2, सो विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2 पावर 1 इज 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इज 7, नाउ मीन अंडर स्कोर माइल्स विल बी 7। नेक्स्ट वन, अभी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और एंडिंग में जाएगी, सो दिस इंडेक्स विल बी 2। नाउ एट दिस पोजिशन मीन अंडर स्कोर माइल्स इक्वल्स टू मीन अंडर स्कोर माइल्स कितना आ गया था 7 प्लस, नाउ 2 पावर इंडेक्स कितना है 2 इंटू द नंबर ऑफ माइल्स इज 1 इक्वल्स टू 7 प्लस 4 दैट इज 11। एंड अभी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी लेकिन इसके साइज से कम है क्या? नहीं है, सो दिस फॉर लूप विल बी टर्मिनेट एंड रिटर्न करेंगे मिनिमम माइल्स, दैट इज द आंसर इज 11। सो इन दिस वे वी कैन राइट कोड, नाउ लेट्स रन दिस कोड, कंपाइलेशन एरर, मैथ डॉट इनकम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉसी कंस्ट्रक्शन फॉर्म, यहाँ पे नाउ लेट्स रन, सो दिस विल गिव अस अ डबल टाइप, सो इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा लॉन्ग में, सो टाइप कास्ट करने के लिए लॉन्ग डाटा टाइप, नाउ लेट्स रन द कोड, रन हो चुका है कोड, सबमिट द कोड, सबमिट भी हो चुका है, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व। सो ये मैथ डॉट पावर क्या करता है, डबल वैल्यू रिटर्न करता है, सो हमें इसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा लॉन्ग वैल्यू से, सो दिस विल गिव अस आंसर। सो इफ यू वॉन्ट दिस कोड आई विल गिव द लिंक ऑफ द कोड इन द डिस्क्रिप्शन, फ्रॉम देयर यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस कोड।